Click on the subscribe button to never miss an update from Movie Mania channel. जल्दी करो, हाथी देख रहा हूँ। आशु प्लीज हरी अप, वरना स्कूल में लेट हो जाएगा। आशु अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। आशु आ रहा हूँ ना। क्या कर रहे थे वहाँ पर? हाथी देख रहा था माँ। वो हाथी बाद में देख लेना, पहले सैंडविच खा लो। चलो आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। मुझे हाथी पे बैठना है। हाथी पर बाद में बैठना बेटा, पहले यहाँ बैठो, ब्रेकफास्ट खत्म करो। कम ऑन, आ रही हूँ आदि, आ रही हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। गंगूताई भी नहीं आई, क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा। बोलो क्या बात है? अरे आरती, कल मैं जो फाइल आया था कहाँ रख दी तुमने? यही तो थी। अरे यही थी तो मिल क्यों नहीं रही? ओ गॉड, मैं यहाँ हर चीज अपने आप गायब कैसे हो जाती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है? वहाँ तुम्हारे बेटे को हाथी पे बैठना है और तुम्हें हर चीज अपने हाथ में चाहिए। ओके, आई न्यू इट। सॉरी, तुम दोनों भाई बहन बिल्कुल एक जैसे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर सुबह सुबह मैं यहाँ ना हूँ, दिस हाउस विल बिकम अ मैड हाउस। यस, बताइए। भाभी, वो मेरी बुक नहीं मिल रही है। मैं जानती थी, बुक कैसे मिलेगी, जरूर यहाँ। ये क्या है? पढ़ाई आप कीजिए, बुक मैं संभालूंगी। सॉरी। हरी अप, ब्रेकफास्ट इज रेडी। अरे कम से कम तुम तो अपने बुक्स का ध्यान रखा करो, क्या क्या करेगी बेचारी। सॉरी भैया, लेट्स गो। अगर मैं एक दिन इस घर में ना हूँ ना, आशु दूध पियो बेटा, फिर से लेट होने वाला है ऑफिस में। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, गंगूताई भी रोज लेट आती है, इट्स वेरी अनोइंग यू नो।
रिलैक्स। हमेशा सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आशु जल्दी खाओ। मॉम, who will come with me? Where? School, Dad. School? Why? आदि, मैंने तुम्हें कल रात को बताया था ना? ओहो, अच्छा आदिति, आज तुम इसे स्कूल छोड़ना, ठीक है? भैया मैं, सॉरी भैया मैं नहीं जा सकती, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है भैया। तो फिर मेरे साथ कौन आएगा, मॉम या डैड? अरे स्कूल वाले भी ना, पढ़ते बच्चे हैं, क्लास पेरेंट्स की लेते हैं। अच्छा आरती, आज प्लीज तुम मैनेज कर लेना, ओके? आदि, यू नो माय प्रॉब्लम ना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कौन आ गया? गंगूताई होगी। क्या टाइम हो रहा है? इतना लेट? सॉरी मैम साहब, लेकिन आपको तो मालूम ना, आज मंगलवार है। दीवारे दीवार, कितनी फीट टिकड़े, इतनी लंबी लाइन मैम साहब। सुबह 4 बजे निकली मैं, फिर भी देरी हो गई। लो प्रसाद लो। ताई तुम्हें पता है हमें सुबह सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है। मालूम है मेरी को, लेकिन मंगलवार ना, आपको तो मालूम है कि दर मंगलवार को मैं सिद्धि विनायक मंदिर जाती, नौकरी छोड़ सकती, लेकिन देवा नको बाबा। आज मेरे पास जो भी है देवा की वजह से है। जब झोपड़ा टूटला मेरा तो बहुत परेशान थी मैं, किधर जाएगी, क्या करेगी, लेकिन देवा की वजह से फ्लैट मिल रहा है मेरे को। फ्लैट नहीं ताई, फ्लैट। हाँ वही तो बोली ना मैं। गंगूताई, फ्लैट है ना, बिल्डर की वजह से मिला, समझे? नहीं साहब नहीं, मेरे को अपने देवा पे पूरा विश्वास है। हाँ अच्छा सुनो, Why don't you send her with Ashu? Yaar? Why not? Come on. Okay. Okay. Bye, Sridhar. Bye. Bye, Ashu. Gangutai, आज तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ हाँ बोला। आज साहब बहुत बिजी हैं। मुझे भी जल्दी ऑफिस जाना है। तुम आशु के साथ उसके स्कूल चली जाओगी प्लीज? Oh God! मैं इस उम्र में स्कूल जाके क्या करेगी? ताई तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस उसके साथ चली जाओ और उसकी टीचर जो भी बोले वो सुन लेना बस। और मेरी को बोलना पड़ा तो आपको पता है ना, मेरी को अंग्रेजी नहीं आती है। और ये क्या करेगी मैं, वो मेरी शक्ल देखेगी, मैं उसकी शक्ल देखेगी। टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना होगा। हाँ प्लीज सिर्फ चली जाओ ना। हाँ आज प्लीज। ठीक है चली जाती है। थैंक यू। अरे काय का थैंक यू, मैं तो बचपन से ही स्कूल नहीं गई, वहाँ सब गिटर पिटर अंग्रेजी बोलते हैं, मेरी को कुछ समझ में नहीं आता है। हे गणपति बप्पा मेरी रक्षा करना। साइन प्लीज। यू मे गो नाउ। बेटा अब अपनी क्लास में जाइए। हे गंगूताई कुछ ना कुछ नेक्स्ट करेगी ही। He is okay in studies, but he is always talking in the classroom. कोई गड़बड़ करेगी तो ये। आशु बाबा, मैं तो पहले ही बोली थी तेरी मम्मी को, ये तो सब के टर्पिटर अंग्रेजी बोल रहे हैं, मैं क्या करेगी आशु बाबा? कोशिश तो करना। देवा देवा। गंगूताई, गंगूताई। बुला लिया क्या? तू जा आशु बाबा, तू जा ना। अरे नहीं, वो मेरे को चिढ़ा रहा है और मेरे को मारता भी है। ये मोटा? हाँ। बाद में देखती है इसको। चीप दिखाते हैं। गंगूताई,
What is this? What is this? What's happening here? What's happening here? Hi! कौन है ये लोग? कौन? क्या हो रहा? साहब, ये जो मोटे के आए हैं ना, ये मेरे को अंग्रेजी में सब बोलती है। I beg your pardon. I'm asking you, who are you? Who? I'm asking you, who are you? You who? You who? You who? You who? Who? You कौन? Who कौन? I'm कौन? साहब, मैं आंसू के साथ आई साहब, इसके घर में काम करती है। दूल्हा पाही तो है का साहब, ये जो मोटा है खबरदार, मेरे बेटे को मोटा कहा तो तेरा मुंह नोच लूंगी। आंटी, तो मैं तेरे को ऐसे छोड़ देगी क्या? इतनी तेरे को behave yourself, behave yourself. This is school ka compound, not a company park. Now tell me, what's your problem? What is your problem? Big problem, sir. साहब अंग्रेजी नहीं आती साहब, मैं आपको हिंदी में समझाती है। ये जो लड़का है ना, रोज रोज आंसू बाबा को मारता है, इतनी बड़ी बड़ी आंख दिखाता है, रुरुरु करता है। ओके ओके मोंटी, व्हाटएवर दिस आंटी सेइंग, इज इट करेक्ट? सॉरी सर। ओके दैट्स लाइक ए गुड बॉय, लेकिन दोबारा ये गलती नहीं होना मांगता। ओके ओके नाउ एवरीबॉडी आफ्टर क्लासेस, कम ऑन कम ऑन, गो एवरीबॉडी, गो एवरीबॉडी। या धनराज साहब, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पूरी तैयारी हो चुकी है, आपका लोन इसी बैंक से पास होगा। आई नो सर, आप अपनी पूरी तैयारी रखिए, मैं जल्द ही आपको खुशखबरी देता हूँ। राइट, थैंक यू। I'm fine. बोलो क्या है ये? धनराज बिल्डर्स का लोन प्रपोजल। अनवर, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, हम इस प्रोजेक्ट में फाइनेंस नहीं कर सकते, डोंट यू गेट इट? एडिटर धनराज बहुत ही बड़ा बिल्डर है, बहुत से बैंक्स के साथ उसका बिजनेस चल रहा है, और अगर ये डील हमारे बैंक के साथ फाइनल हो जाती है तो यू नो हमारे बैंक का बिजनेस कितना बढ़ जाएगा, एंड इसमें हम दोनों को भी कितना फायदा है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मिस्टर अनवर, मैं उन लालची लोगों में से नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। डू यू अंडरस्टैंड? टेक इट अवे। एडिटर ठंडे दिमाग से, ये क्लाइंट हमारी प्रमोशन की सीढ़ी बन सकता है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। एक्सक्यूज मी, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए और ना ही मुझे ऐसे क्लाइंट की जरूरत है, सो प्लीज दोबारा ऐसे प्रपोजल लेकर मेरे पास मत आना। यू मे लीव नाउ। As you wish. Yeah, send them in. इतिहास में आज पहली बार हुआ है कि शाम को 4 बजे हुई बारिश ने अचानक ही मुंबई को कुछ ही घंटों में पूरी तरह डुबो दिया है। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं, सरकार ने लोगों से कहा है कि जो जहां है वहीं रुके रहे। सबसे बुरी हालत तो मेरे बच्चों की है, मेरे पापा परेशान है, और सबसे बड़ी परेशानी की बात ये भी है। सर, बाहर बारिश बहुत हो रही है सर, टीवी पर न्यूज भी आ रहा है कि सारे रोड जाम हो चुके हैं, सारा स्टाफ बहुत परेशान है सर, क्या हम लोग छुट्टी लेके घर जा सकते हैं सर? ठीक है, जाओ। थैंक यू वेरी मच सर। हम लोखंडवाला सर्कल पे हैं सर।
मैं बहुत जल्दी बच्चों को लेकर सही सलामत स्कूल पहुंचूंगा सर। चुप करो चुप करो सर, आप बिल्कुल टेंशन ना करें सर, मैं बच्चों के साथ हूँ सर, हम सही सलामत हैं सर। पानी चला गया है, गाड़ी बिगड़ गई है, चलो चलो धक्का मारो चलो। क्या करूं, चूहे को कैसे बचाऊं, क्या करूं, क्या करूं? अरे कहाँ अटक गए थे तुम लोग? ना भीग गया है बारिश में। क्यों बस से नीचे क्यों उतरे तुम? मॉम अगर मैं बस से नहीं उतरता तो वो चूहा डूब जाता। और अगर तुम डूब जाते तो चूहा बचाता तुम्हें? मॉम मैं नहीं डूबता क्योंकि मैं उसकी मदद कर रहा था। गंगोत्री कहती है जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट है तुम दोनों, तुम और तुम्हारी गंगोत्री। अच्छा बाबा चेंज कर लो प्लीज, बहुत हो गई तुम्हारी बातें गंगोत्री और बारिश भी ना। मुझे भी चेंज करना है, I'm cold. Mom, आप जाओ, मैं चेंज कर लूंगा। पक्का? हाँ पक्का। चलो जल्दी करो। छोड़ो ना, प्लीज छोड़ो। बाय जानू। बाय, सी यू टुमॉरो। तो ये बात है, आज तो चॉकलेट की बारिश होगी। What happened, naughty boy? क्यों हंस रहे हो इतना? हाँ? बुआ, extra classes on bike, हाँ? मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? हाँ? गपुची गपुची गम गम, गपुची गपुची गम गम। आशु, चुप। ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो डैडी को। आशु, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और तुम्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद है। कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लेकर आऊंगी, ठीक है? By the way, चॉकलेट्स मेरे लिए लाओगी या बाइक वाले अंकल के लिए? हाँ? आशु, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ? Good boy. गंगूताई का बेटा, 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 गंगूताई का
What happened? भाभी इसे तेज बुखार है भाभी। गॉड आधी कबर में से दवाई लाओ। ना कहा था बारिश में मत निकलो। ठीक हो जाएगा डोंट वरी। ये लो बेटा। चल सो जा आराम से कम ऑन। सो जाओ। लगता है कुछ बुरा सपना देखा है। आई थिंक सो। आशु कितना बुखार है। अच्छा नो मसला। हे आशु हाउ आर यू फीलिंग टुडे? हां नाइस। गेट वेल सून। हां अदिति आशु का ख्याल रखना। जी भैया। आदिति तुम आ रही हो साथ में? आई एम कमिंग। लेट्स गो। आशु मैं जा रही हूं। टेक केयर। ठीक है लव यू। बाय अदिति। बाय मम्मा। ओ डोंट वरी मैं जल्दी आ जाऊंगी। इट्स अ प्रॉमिस। ओके टेक केयर। आशु लव्स ताई इसका ख्याल रखना। चिंता न करो मीठा मैं हूं। आशु लव्स थैंक्स। टेंशन ना। आशु बाबा दूध और बिस्कुट। हाँ उतो दो 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 आ। लो देखो मैं कुछ नहीं जानता। I just want to see you जानू। अरे इतना गुस्सा क्यों होते हो? गापू जी गापू जी गाप गाप किशी की कम कम मैं देख आती है तब तक तू बिस्किट खा। देखो मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा। I just want to see you जानू। All right ठीक है। लगता है तेरे किसे टांका बिड़ा है। टांका टांका What? What नहीं रेड बोलती मैं। इस लव में बहुत लोच आए फिर लव शव नहीं करने का। लेकिन क्या करे गंगूताई अब तो हम दिल दे चुके हैं। आए हाय आए हाय तू उसमें इतना गुस्सा काई को कर रही थी। तो क्या करूं जब देखो तब एक ही बात आई वॉन्ट टू सी यू आई वॉन्ट टू मीट यू। शादी से पहले ऐसा ही होता है। ये जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मेरा अपने नवरे को सी करने का बहुत मन करता था। और शादी के बाद जाने दे। लेकिन मैं तेरे को समझाती है इस लव में बहुत लोचा है। हाँ लोचा मैं कुछ समझी नहीं गंगूताई। शादी के बाद सब समझ जाएगी। तेरे को से मिलने का है। हाँ गंगूताई के होते हुए पेंशन नहीं लेने का है। गंगूताई पेंशन नहीं टेंशन। हाँ वही तो बोली ना मैं। ओ गॉड अभी जा टाइम कटी मत कर मैं आंसू बाबा को देख लेगी। ओ आई लव यू गंगूताई। तेरी बुआ कपुचे कम कम के पास गई ली। फिनिश कर दिया मेरा बाबा। अच्छा तू पानी में भीगने काय को क्या था? भीगने थोड़े गया था चूहा डूब रहा था पानी में उसे बचाने गया था। अच्छा तूने उसे बचाया? देवा रे देवा ये तो बहुत अच्छा काम किया रे तूने। अरे गणेश भगवान तेरे से खुश हो जाएंगे। कैसे? जिसे तू चूहा बोलता है ना वो मुसुकराज है गणेश भगवान की सवारी। सच? अब कैसे समझाऊं तेरे को? हाँ कुछ भी मांगना हो ना तो मुसुकराज के कान में बोल देने का वो सारी की सारी बात गणेश भगवान तक पहुँचा देते है। सचमुच? अगर मैं बोलूं मेरा कोई शर नहीं है तो गणेश भगवान को बोलने का वो तेरे फ्रेंड बन जाएंगे। लेकिन कैसे वो तो मुझे जाते तक नहीं। अभी मुसुकराज ने जाकर बताया होगा ना कि हे प्रभु आंसू बाबा ने मेरे को बचाया तो तेरे को बताऊं ये जो मुसुकराज है ना पहले आदमी थे वो चूहा। चूहा नहीं बोलने का मुसुकराज मुसुकराज। मैं तेरे को उनकी कहानी सुनाती है। हाँ बहुत साल पहले बहुत टाइम की बात है
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है मूषकराज। मांगो वत्स, क्या वर चाहिए तुम्हें? प्रभु, दर्शन की अभिलाषा थी, पूरी हो गई। आपने साक्षात दर्शन देकर मेरा मानव जीवन सफल कर दिया। फिर भी आप आशीर्वाद स्वरूप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए प्रभु। धरती, आकाश, पाताल, तीनों लोकों में मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं और कोई मानव मेरे जीवन का अहित ना कर सके। मैं अजर हो जाऊं प्रभु और तीनों लोकों पर केवल मेरा राज हो।
तथास्तु। तुम्हारी ये समस्त इच्छाएं शीघ्र अति शीघ्र अवश्य पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, ये कैसा अनर्थ कर दिया प्रभु आपने? अनर्थ? ये आप क्या कह रहे हैं नारद जी? माते क्षमा चाहता हूँ, पर हमारे भोले भंडारी जब अपने भक्त की भक्ति से अति प्रसन्न हो जाते हैं तो वरदान के भंडार खोल देते हैं। प्रभु ने मूषक राज को तीनों लोकों पर राज करने का वर दे दिया। ये तो उसकी भक्ति और तपस्या का प्रसाद स्वरूप है नारद। आपका वरदान बाकी सारे देवी देवताओं और साधु महात्माओं के लिए अभिशाप बन गया है प्रभु। अभिशाप? सृष्टि की रचना करने वाले शिवजी से कुछ नहीं छिपा है माते। मूषक राज ने सभी को बंधक बना लिया है। तीनों लोकों में त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है प्रभु। हाँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्म ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्म ब्रह्माय नमः। ओम शक्तियाय नमः। ओम शक्तियाय नमः। ये ले दुष्ट। नारद जी बोले तो मैं तेरे को बताती है। हमारे घर कुरियर वाला आता है ना कुरियर लेके, तो नारद भगवान सब भगवानों के कुरियर वाले, वो इधर की खबर उधर पहुंचाते हैं और उधर की खबर इधर पहुंचाते हैं। उन्होंने मूषक राज के अत्याचार की खबर शिव जी भगवान को बताई। फिर क्या हुआ? फिर शिव जी भगवान ने फटाफट गणेशा जी को बुलाया। अब इस अहंकारी अधम का विनाश निश्चित है। वो कैसे प्रभु? इसका विनाश गणेशा करेगा। गणेशा? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा छोटा सा बालक, ये कैसे संभव है प्रभु? गौरी, लगता है मातृत्व प्रेम के कारण तुम इतनी चिंतित हो। तुम्हें पता है
तुम्हारा पुत्र गणेशा सर्वशक्तिमान और विघ्नहर्ता है। गणेशा, पुत्र गणेशा, गणेशा, पुत्र गणेशा, गणेशा, पुत्र गणेशा, गणेशा, पुत्र गणेशा। प्रभु गणेशा, आज देवलोक को तुम्हारी आवश्यकता है। मूषक राज को हमने तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान दिया था, लेकिन अब वो मद में चूर होकर देवी देवताओं और महात्माओं को बंदी बना रहा है और उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। मेरी इच्छा है कि तुम उसे यहां लेकर आओ। जो आज्ञा प्रभु। और गणेशा, रक्षा के लिए। जो आज्ञा प्रभु। माता आशीर्वाद। विजयी भव। किसने मुझे नाम से पुकारा? मैंने। मूषक राज, प्रभु के आशीर्वाद का, उनके दिए गए वरदान का इस तरह दुरुपयोग करना मानव धर्म के लिए। अरे बालक, मुझे धर्म कर्म इन सब के बारे में मत बता। तो जानता नहीं मैं कौन हूँ? मूषक राज, किसी भी चीज की अति विनाश की परिचायक होती है। अब तेरे विनाश का समय आ गया है। ए, कौन है तू? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ। बालक, यहाँ से चला जा, अन्यथा तुझे भी बंदी गृह में डाल दूंगा। तू मुझे बंदी गृह में डालेगा? हाँ। पकड़ मुझे।
फिर से आ रहा है। दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। क्षमा? तू क्षमा के योग्य नहीं है। गणेशा जी मूषक राज को लेकर हिमालय पर्वत पे चले गए। मूषक राज कहाँ है? मैं मूषक राज ही हूँ प्रभु। आप सभी जनों से क्षमा का अभिलाषी हूँ। नारायण नारायण प्रभु, सचमुच गणेश तो विघ्नहर्ता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण नारायण। क्या मतलब? गणेशा बहुत शक्तिशाली है। हो, बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। सारे विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए तो उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। उनसे जो भी मांगो ना, मिल जाता है। मैं तो गणेशा को अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। गंगूताई, गणेशा मेरे फ्रेंड बनेंगे ना? हाँ हाँ, जरूर बनेंगे। आपने कभी कुछ मांगा है? अरे मैं तो रोज ही मांगती रहती है। आज भी मैंने मांगा था कि मेरा आंसू बाबा बहुत बीमार है, हे गणपति बप्पा उसे ठीक कर दो। और देखो तुम्हारा बुखार भाग गया ना? अरे हाँ, मेरा बुखार तो भाग गया। अभी तो मैं गणेशा का जरूर फ्रेंड बनाऊंगा। हाँ, लेकिन उसके लिए तुझे गणेशा जी को अपने घर लाना पड़ेगा। कैसे? देख, गणेशा जी का फेस्टिवल आने वाला है ना, तो डैडी को बोल गणेशा जी को घर ले आए, फिर तुमसे दोस्ती कर लेना। वाओ, तब तो मैं डैडी को जरूर बोलूंगा। ये आशुलता बाबा। गिव मी फाइव, गिव
Oh no no my god. Oh no 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 no. Okay okay relax relax. Oh dad is tired. Daddy? हाँ? गंगूताई कहती है अगर गणेशा को घर लाएंगे तो वो मेरे फ्रेंड बन जाएंगे। पापा आप गणेशा को घर लाएंगे ना? बेटा वो हम कल बात करेंगे, बहुत लेट हो चुका है। ओके नो सुनो रिलैक्स आशु, इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दिस। हे हे आरती, व्हाट इज दिस यार? रिलैक्स आदी, गंगूताई को कुछ समझाओ यार, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी शी इज टेलिंग हिम। इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स नॉट राइट यार। अच्छा बेटा सो जाओ, बहुत लेट हो गया। आशु नो 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 आशु गो 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 आशु आशु कम ऑन यार आशु प्लीज टेक हिम अवे यार। आई विल आशु आशु कम ऑन गिव मी अ स्माइल। पापा को गुड नाइट बोल दो एक बार। चलो आशु को गुड नाइट पापा। आहा आशु बाय गुड नाइट। जी सर। आरती कम टू माय रूम इमीडिएटली। यस सर। यस सर। आरती वो ईमेल गया? सर बस वही भेज रही हूँ। डैम इट, व्हाट इज दिस ब्लडी नॉनसेंस। तुम्हें मालूम है वो ईमेल 10 बजे जाना था, अभी 12 बज रहा है। लंदन से 3 बार फोन आ चुका है और मुझे तुम्हारी वजह से झूठ बोलना पड़ रहा है। इससे पहले कि मैं तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम्हें दूं, आई वॉन्ट योर रेजिग्नेशन लेटर ऑन माई टेबल। लेकिन सर, लेकिन आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूजेस, यू कैन गो नाउ। बड़ी शर्म की बात है मिस्टर आदित्य, तुम पर भरोसा करके इस ब्रांच की जिम्मेदारी मैंने तुमको सौंपी थी, ये निभाई तुमने अपनी जिम्मेदारी। मिस्टर अनवर, क्या उस फाइल पर मिस्टर आदित्य ने दस्तखत किए थे? यस सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर। ये हमारे ब्रांच मैनेजर हैं और इनके सिग्नेचर के बगैर तो लोन पास होना पॉसिबल ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर अनवर इज लाइंग। मैंने इन पेपर्स पर साइन नहीं किए हैं और ना ही ये लोन मेरे पास से सैंक्शन हुआ है। इट्स अनबिलीवेबल। धनराज को 5 करोड़ कहां से मिले, वो भी उस प्रोजेक्ट के लिए जो है ही नहीं। सर यही बात मैंने मिस्टर अनवर से कही थी कि ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है और मैं इसे हेड ऑफिस नहीं ले जा सकता। तो फिर ये लोन कैसे पास हुआ? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर धनराज ने डॉक्यूमेंट जाली बनवाए? एग्जैक्टली सर। तो फिर पेपर्स पर आपके दस्तखत? सर जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना सकता है वो मेरे डुप्लीकेट सिग्नेचर्स नहीं कर सकता। सर प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने इन पेपर्स पर साइन नहीं किए, मेरा यकीन कीजिए। देखिए मिस्टर आदित्य, यकीन अदालत को दिलवाइएगा। और मिस्टर अनवर, 10 दिन के अंदर आपको यह साबित करना होगा कि उन पेपर्स पर मिस्टर आदित्य के ही दस्तखत थे। यस सर। और मिस्टर आदित्य, जब तक इंक्वायरी चलती है आपका पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा रहेगा। और हाँ मिस्टर आदित्य, जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। आदी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा आरती, कैसे ठीक हो जाएगा? ये जमाना भी उल्टा है, हम जैसे अच्छे और सीधे लोगों के साथ ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं आदि, सच्चाई और ईमानदारी की कदर है। और फिर आदि ऊपर वाला है ना। ऊपर वाला? व्हाट ऊपर वाला? अगर ऊपर वाला होता तो हमारे साथ ऐसा होता? आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, प्लीज। आदि एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे ना? बोलो। आदि मैं सोच रही थी, पता नहीं अब कितने दिनों तक हमें ऑफिस नहीं जाना है, तो क्यों ना इस बार हम गणपति को घर ले आए। लेकिन आरती। आदि आशु भी यही चाहता है। तुम भी गंगूताई की बातों में आ गई। गंगूताई की बातों में नहीं आदित्य, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर हम गणपति को ले आएंगे ना तो ये सब प्रॉब्लम्स चल रही है ना जो, वो सब सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल कहता है तो हम गणपति को जरूर लाएंगे। शायद
गणपति हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। मंगल मूर्ति मोरिया, अर्धा लड्डू चोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। गंगूताई अब क्या करना है? अभी मंदिर में गणेशा जी की स्थापना करो। देवा कितनी छान दिसतात। अभी हल्दी कुंकू लगाओ साहिब। मेम साहब आप ही आरती का दिया जलाओ। फूल चढ़ाओ साहिब। गगुताई गगुताई मैं क्या करूं? आंसू बाबा तू चुपचाप देख। गणेशा, I'm आशु। You know, मैंने ही पापा को बोला था आपको घर लाने को। गणेशा, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। गंगूताई ने बोला आप मेरे फ्रेंड बनोगे। बनोगे ना? गणेशा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप मेरे फ्रेंड बनोगे ना? गणेशा, प्लीज गणेशा, टेल मी, आप मेरे फ्रेंड बनोगे ना? मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, स्कूल में भी नहीं, मम्मा पापा के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं है।
गणेशा, गंगूताई कहती है आप मेरे फ्रेंड बनोगे। गंगूताई कहती है आप सबके फ्रेंड हो, फिर मेरे क्यों नहीं? गणेशा प्लीज, गणेशा। कट्टी बुलाना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है। तुम अपने पापा को बोलना कि गणेशा जी को घर ले आए। मैं बोलेगी तो बोलेंगे गंगूताई हमारे आंसू को उल्टा सीधा सिखा दिए। अगर तू अपने मम्मी पापा को बोलेगा ना तो तुझे बेस्ट फ्रेंड मिलेगा। गंगूताई झूठ बोलती है, गणेशा किसी के फ्रेंड नहीं है, मेरे भी नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है। गंगूताई झूठ बोलती है। कोई फ्रेंड नहीं है, गंगूताई झूठ बोलती है। मैं गणेशा हूँ। गणेशा? हाँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ जरूर। थैंक यू गणेशा। आशु बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक दोस्त चाहिए था, तुम मिल गए। लेकिन आशु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्यों? अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो फिर मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा? आशु बस तुम मुझे याद करना और कहना ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः? हाँ, और इतना कहते ही मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रॉमिस? हाँ गणेशा से प्रॉमिस। ये तुम क्या कह रहे हो? प्रॉमिस मतलब? मतलब तुम प्रॉमिस का मतलब नहीं समझते? नहीं, ये कौन सी भाषा है? इंग्लिश। यू डोंट नो इंग्लिश? कोई बात मैं तुम्हें सिखा दूंगा। प्रॉमिस का मतलब है वादा। वादा? ओहो, अब तुम्हें समझ में आया? हाँ 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 आ गया। तो आओगे ना? हाँ हाँ जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर मुझे आवाज क्यों दी? मैं बस देख रहा था कि तुम आते हो या नहीं। देख लिया ना, अब मुझे आराम करने दो। ठीक है तुम सो जा। सो चिल्ड्रन वी विल मल्टीप्लाई 12 into 12 to the 24
12 ones are 12 = 144. मेरी पेंसिल, हाँ, अरे, अरे, अरे पेंसिल, अरे Little naughty boy. What are you doing here? Why you are not in your class? What? You got to be in your class, my son. Pencil. Pencil? What pencil you're talking about? Pencil. Oh, I'm amused. Pencil came out on its own? Yes, sir. You think I'm convinced? Yes, sir. What, yes, sir? What are you hinting at, little naughty boy? Could you please explain me? Nicho. What Nicho Utro? What Nicho Utro? You're talking to me? No, me? No, sir. I'm only Nicho. 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 Oh, what Nicho? Talking to me? No, sir. No, sir. Ah! Is it day dreaming of a nightmare? Oh, Pencil is dancing! Pencil is dancing! गणेशा तुमने ये क्या किया? वो मेरी प्रिंसिपल है, अब वो मुझे पनिशमेंट देंगे। वैसे जो भी हो, मजा आया, उन्हें चक्कर दिलाया। आशु, वो तुम्हारे गुरु है ना? पता है गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है, वो सबसे बड़े हैं। माँ से भी बड़े? हाँ, भगवान से भी बढ़कर होते हैं और मुझसे भी बढ़कर है, क्योंकि मनुष्य को शिक्षा गुरु ही देते हैं, समझे? समझा। सॉरी। देखो आशु आ गया। आ गया, चलो देखते। ए, टिफिन दे दे। नहीं दूंगा। टिफिन दे दे। बोला ना, नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। ए। अभी दिखाता हूँ। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। पते नमा। क्या हुआ आशु? खुद देखो, मोंटी ने मेरा टिफिन छीन लिया। मैं क्या देखूं? तुम देखो, तुम्हारा टिफिन है, तुम ले आओ। वाह, और तुम खरे खरे तमाशा देखोगे। हुँ? मैंने क्या कहा था आशु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जाओ आगे बढ़ो। पक्का? पक्का। पक्का तुम आओगे ना? हाँ आऊंगा, जाओ आशु। ठीक है, जल्दी खोलना यार। Try to open. भूख लगी है। जोर लगाना यार। देखो आ गया। क्या चाहिए तुझे? मुझे अपना टिफिन चाहिए। नहीं दूंगा, क्या कर लेगा? मैं कह रहा हूँ ना। नहीं दूंगा, क्या कर लेगा? मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे अपना टिफिन दे दो। नहीं दूंगा। गंगूताई का बेटा है ना, जा बुला उसको, जा बुला तेरे गंगूताई को। मार, मार ना, मार, मारेगा मुझे, मार, मार, मार मुझे, मार, मार, मार ना, मार, मार, मार ना, मार, मार, मार ना, मार। गंगूताई का बेटा।
क्या हुआ आशु? तुम्हें नहीं पता पूछ रहे हो, भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। क्या टिफिन में कुछ है? टिफिन में कुछ नहीं बचा है। तुम बोलो क्या खाना चाहोगे? कुछ भी। हाँ तो लड्डू खाओगे? हाँ। मैं कुछ करता हूँ। लो मीमसा भोग लावा। खा गए होंगे। देवा रे देवा। अब टिफिन में देखो, इतने सारे लड्डू। और तेज चलो कालिया, रुक जाओ कालिया, रुक जाओ, रुक जाओ कालिया, रुको, चलो चलो जल्दी करो। इंस्पेक्टर वो देखो ऊपर ले गया बच्ची को, वो देखो वहीं रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बच्चे को फेंक दूंगा। What's happening? ऊपर देखिए। Oh my God! इंस्पेक्टर तुम वापस जाते हो या इस बच्चे को फेंको? कालिया! Why don't you go up there and arrest him? अगर पुलिस ऊपर गई तो वो बच्चे को नीचे फेंक देगा। ए! इंस्पेक्टर मैं पास तक गिनूंगा, वरना इस बच्ची को नीचे फेंक दूंगा, समझे? कालिया! बच्ची को छोड़ दो मैं कहता हूँ। Oh my God! गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। अब क्या हुआ? अरे जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, वो गुंडा उस लड़की को उठा के लेके गए, जाके उसे बचाओ। तो बचाओ उसे। क्या मैं? हाँ तुम, लेकिन कैसे? ऐसे। इंस्पेक्टर मैं पास तक गिनूंगा, एक दो नो, नो। तीन नो। इंस्पेक्टर चार पांच। अच्छा तो पुलिस ने तुझे ऊपर भेज दिया? लड़की को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगा? भाग यहाँ से, भाग। Inspector, please, for Almighty's sake, take your police away. Go away from here. We don't want you. This is not possible. Hey, Inspector, अगर इस बच्ची की सलामती चाहते हो तो वापस लौट जाओ, वरना इसे फेंक दूंगा। छोड़ दो। Hey, तू फिर आ गया? लड़की को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगा?
मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, लड़की को छोड़ दो। अच्छा बच्चू, ला पहले तुझे ही फेंकता हूँ मैं अभी। हाँ मुझे नहीं इसे बोलिए। थैंक यू। हेलो, ओके आई बी देयर। अरे आदि रुको एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? प्रसाद तो ले लो। पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? वहां से फोन आया था, अभी बुलाया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई रियली डोंट नो। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं ठहरो, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। लेकिन आदि फोन करना। आई विल कॉल यू। या नहीं लेने का मेम साहब, अब तो घर में गणेशा जी हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। आपको नहीं पता गणेशा जी कितने बड़े विघ्न हर्ता हैं, वो सारी की सारी मुसीबतों का हल कर देते हैं। भाई अनवर, तुम्हें क्या लगता है? लगना क्या है, अंदर जाएगा एडिटिव, आपको बैंक का माल मिल जाएगा और मुझे मैनेजर की कुर्सी। मान गए भाई अनवर, मान गए, दिमाग है तुम्हारा। यस सर। क्या हुआ मिस्टर अनवर, आप तो पेपर्स लेकर आने वाले थे। मैं अभी आ रहा हूं सर। व्हाट हैपेंड? एक मिनट। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। अरे तुम कहाँ चले गए थे, मैं कब से बुला रहा हूँ। मुझे और भी बहुत काम है। बोलो क्या बात है? वो पापा को पुलिस 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 वालों ने बुलाया है, यही ना है? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब पता है। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूँ, पुलिस स्टेशन में जा नहीं सकता। क्यों? फिर पापा को कौन बचाएगा? उनकी सच्चाई, जो सच्चे और ईमानदार होते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन तुम आशु, डरो मत, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस प्रॉमिस। थैंक यू गणेशा। क्या हुआ? पाटिल, तुम्हें क्या लगता है, ये अनवर आएगा? मोदी साहब, अनवर आएगा तो जरूर, लेकिन वो पेपर्स लेकर आता है या नहीं इसमें मुझे जरा डाउट है। लीजिए आ गया वो। मिस्टर अनवर, हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आई एम सॉरी सर,
ओके, वो पेपर्स लेकर आया जिसमें आदित्य ने दस्तखत किए थे? वो क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? सर दरअसल बात यह है कि उन पेपर्स को चूहों ने कुतर दिया सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, ये देखिए। मिस्टर अनवर ये क्या मजाक है? सर ये मजाक नहीं, हकीकत है सर। हकीकत? हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ मिस्टर अनवर। हकीकत ये है कि ये सब आपकी साजिश थी मिस्टर आदित्य को फंसाने के लिए, जिसमें आप कामयाब नहीं हो सके। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। सर मैंने कोई साजिश नहीं की, मैं बेकसूर हूँ सर। सर आप तो इनफ। तुम्हारी बेगुनाही और आदित्य को गुनहगार अब अदालत में जाकर साबित करना। राम सिंह। यस सर। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। इन्हें लॉकअप में ले जाओ सर। प्लीज ले जाओ सर। सर मैं बेकसूर हूँ सर। सॉरी आदित्य, एक बेवकूफ इंसान की वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। चिंता न करो मेम साहब, साहब आ जाएंगे। कब आएंगे गंगूताई? कितना लेट हो गया है, फोन भी नहीं लग रहा। लगता है साहब आ गए। देवा रे देवा। क्या हुआ आदि? आदि बोलो ना क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा आरती। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो अनवर मेरे डुप्लीकेट सिग्नेचर्स के पेपर्स ले आया था, लेकिन वो पेपर्स कुतरे हुए थे। मतलब? वो कह रहा था कि चूहों ने पेपर्स का ये हाल किया है। क्या? मेरे को मालूम था सब, मेरे को मालूम था ऐसा ही होगा। तुमको मालूम था? हाँ साहब, जिस घर में गणेशा जी आ जाए उस घर से तो मुसीबत भाग ही जाती है ना। आपको याद है उस दिन आंसू बाबा ने मुसुकराज को बचाया था, आज मुसुकराज ने आपको बचा लिया। बरोबर ना साहब? देवरे देवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। सब सुखदायक विघ्न विनायक सब सुखदायक गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। आशु क्या सोच रहे हो, खेलते क्यों नहीं? मुझे लगता है मम्मी की भी कोई प्रॉब्लम है, वो हमेशा उदास रहती है। अच्छा ये बात है, तो फिर ठीक है, आज के बाद मम्मी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। या व्हाट नॉनसेंस, 3 दिन से मैं एक फाइल मांग रहा हूँ और वो फाइल मुझे नहीं मिल रही है। ये मेरा ऑफिस है कि तमाशा? लोग यहाँ काम करने आते हैं कि छुट्टी मनाने? सॉरी सर, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम आरती की वजह से है। जस्ट शट अप। अपनी गलतियों को दूसरे पर डालने की आदत पड़ गई आपको। वो फाइल मैंने पर्सनली आपको दी थी। राइट सर। और उसमें कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं आप जानते हैं? ये सर। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं?
जाइए वो फाइल लेके आइए। जी सर। एक फाइल तक तो संभाल नहीं सकते हैं। आदि फोन तो उठाओ। हेलो आरती। यस सर, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। तुम क्या ऑफिस फिर ज्वाइन करोगी? जी मैं सर, लेकिन आप ही ने तो। आई एम सॉरी आरती, मैंने एक्चुअली तुम्हें नौकरी से निकाल के बहुत बड़ी गलती की। यहाँ तुम्हारे बिना किसी को ना कोई फाइल मिलती है ना पेपर मिलता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसीलिए तुम वापस आ जाओ ना प्लीज। लेकिन सर वो टाइमिंग वाइज। अरे भाई आरती, अच्छे स्टाफ के लिए टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ता है, तुम सिर्फ काम पे आ जाओ। ओके, कब आओगी? गणपति के बाद सर। ओके वेलकम बैक। बाय। कौन था? मेरे बॉस थे। बॉस? क्यों? मुझे जॉब पर वापस बुला रहे हैं। Hey, that's great news, yeah? Isn't it? सच आरती, मुझे तो पूरा यकीन हो गया। जिस घर में गणेशा मेहमान बनकर आते हैं, वहाँ की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। You're so right. मुझे भी लग रहा है ये सब चमत्कार गणेशा का ही है। फाइल तो वहाँ रखी थी, कहाँ चली गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहां से लाया, यहाँ रखी, फाइल कहाँ जा सकती है? कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? Where is it? Shit. कोई बात नहीं सर, और लीजिए सर। ओके। Believe this. Where is it? अरे ये कौन है? बैटमैन? अरे नहीं बाबा, स्पाइडरमैन। यू ऑलवेज फॉरगेट। क्या गेट? फॉरगेट मतलब तुम हमेशा भूल जाते हो। ओहो ताई जरा दरवाजा खोलना प्लीज। जी मैम साहब। बेटा। आशु घर पर है? आशु बाबा कहीं चला? कौन है? क्या बात है साहब? साहब पुलिस वाला। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आशु आपका बेटा है? हाँ लेकिन बात क्या है भाई? घबराने की नहीं, खुशी की बात है। आपके बेटे की वजह से पुलिस उस गुंडे को पकड़ पाई, इसलिए भारत सरकार ने आशु को वीरता पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। क्या? यस मिस्टर आदित्य, 15 अगस्त को राष्ट्रपति के हाथों आशु को वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। ये रहा उसका लेटर। आशु को बता के आती है साहब, अभी आई। हाँ हाँ जल्दी जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओके मिस्टर आदित्य, मैं चलता हूँ। थैंक यू। कौन बुला रहा है तुम्हें? कौन है? गंगूताई। अरे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तुम गंगूताई से डरते हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ डरता हूँ, मैं नहीं डरता। गणेशा, 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 खुला, आ जाओ। आशु बाबा किससे बात कर रहे थे तुम? किसी से भी नहीं। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तुम किसी को बोलोगी तो नहीं ना मेरे बाबा? माय फ्रेंड गणेशा। देवा रे देवा, गणेशा तो सबके फ्रेंड है। अरे कितना बड़ा काम किया रे तू, कितना बड़ा पुरस्कार मिल रहा है तेरे को। पुरस्कार? चल मेरे साथ। कहाँ? अरे तू चल तो सही, मेम साहब हमारे आस
सासू बाबा ने तो कमाल कर दिया। Hey champ, look at this. जब से गणेशा इस घर में आए हैं ना, इस घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं गंगूताय, प्रॉब्लम सॉल्व। किसी को नहीं बताओगे? लेकिन मैंने ये थोड़े ना बोला कि तुम मेरे फ्रेंड हो। हाँ, you are right. गणेशा, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। वो क्यों? मैंने तुम्हें कितनी इंग्लिश सिखाई। हाँ, पर नो थैंक्स नो सॉरी। ग्रेट गणेशा, ये गणेशा आशु, किससे बात कर रहे थे तुम? अब किसी से भी नहीं। आशु झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना है। बोला ना, किसी से भी नहीं। हेलो। अच्छा अदिति, तुमसे एक काम था। तुम भैया से कह के मेरा एक लोन पास करवा सकती हो क्या? वो मुझे एक एजेंसी मिल रही है जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। वो तो ठीक है करण, लेकिन मैं भैया से बात नहीं कर सकती। अरे तुम्हारे भैया बैंक मैनेजर हैं यार, मेरा काम जल्दी हो जाएगा, बस इतना ही ना यार। तुम समझती क्यों नहीं हो? Please try to understand. करण, तुम समझते नहीं, मेरे सामने कितने सवाल खड़े हो जाएंगे, मेरे पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। अरे तुम अपने भैया से बात करके तो देखो। प्लीज करण, आई एम सॉरी, मैं बात नहीं कर सकती, प्लीज। अदिति, याद करो वो पल जो हमने एक साथ एक दूसरे की बाहों में बिताए हैं। करण, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? अदिति, वो खूबसूरत पल मैंने अपने पास कैद करके बड़ी हिफाजत से रखे हुए हैं, जिसमें तुम और तुम्हारी अदाएं बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। जानती हो अदिति, अगर इस रिकॉर्डिंग की नुमाइश कर दी जाए तो क्या होगा? हाँ अदिति, मैंने इन सबके MMS बना लिए हैं। और एक MMS तुम्हारे भैया के फोन पर चला जाए। करण, शट अप, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता है? अच्छी तरह अदिति, लेकिन तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए या तो तुम अपने भैया से बात कर लो, वरना लोखंडवाला लिंक रोड पर बन रही नई इमारत पर कल आकर मुझसे मिल लेना, समझी? वरना करण, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कुछ ऐसा ही समझ लो। क्या हुआ बुआ? आशु,
मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। करण को मैं समझ ही नहीं पाई। अब मैं किससे कहूंगी, क्या कहूंगी? आप टेंशन मत लो बुआ, मैं हूं ना। आशु, तुम्हें नहीं पता बेटा, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। आपकी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, जस्ट प्रे टू लॉर्ड गणेशा। आशु, करण, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमने अपने भैया से बात की या नहीं? करण, इसका जवाब मैंने तुम्हें कल ही दे दिया था। तो ठीक है, मेरे पास भी अब तुम्हारा एमएमएस भेजने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता। करण, तुम पागल हो गए हो? पागल नहीं, मजबूर हो गया हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे लोन नहीं दिलाना चाहती तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा एमएमएस बेच के ही पैसे कमा लूंगा। करण, तुम इतने जलील और गिरे हुए इंसान हो, ये मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती। मैंने तुम्हें प्यार किया और तुमने सौदा, यही कहना चाहती हो ना तुम? This is life, baby. Be practical. मुझे भी तरक्की करनी है, बहुत तरक्की, किसी भी हालत किसी भी सूरत में तरक्की करनी है, और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। करण प्लीज, मुझे बदनाम मत करो। करण, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। करण, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिर जाओगे, वो भी पैसों के लिए। सॉरी अदिति, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा एमएमएस जा चुका है। यू हेलो। अरे करण, ये क्या भेजा है तूने? तू गणेश का भक्त कब से बन गया? व्हाट? अबे तू, तू यह क्या कर रहा है? खबरदार, जो मेरे बुआ के नजदीक आए तो। चूहे, तू बचाएगा इसे? हाँ हाँ, मैं बचाऊंगा अपनी बुआ को। अरे पहले इस हाथ से तो बच। कहाँ गया? कहाँ गया? आशु, आशु करण, आशु करण कहाँ गया? वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा बुआ। अब कुछ नहीं होगा बुआ, अब चुप हो जाओ। बुआ, वो आपको कभी
है फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों की 100 मीटर की रेस के लिए सारे बॉयज अपनी पोजीशन ले चुके हैं। सबकी नजर आशु अग्रवाल पर है। आशु ने सिर्फ पहले भी बहुत ही कारनामे दिखाए हैं, लेकिन इस बार मुकाबला तगड़ा है। आशु साथ में संदीप, दीपक, अनिल, राहुल, चिंटू और मोंटी सिंह। अब ये रेस शुरू होने जा रहा है। 1, 2, 3 सभी दौड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा दीपक और अनिल आगे चल रहे हैं। मोंटी सिंह पीछे पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा है और वैसा ही उत्साह है आशु अग्रवाल का। आशु के रहे हैं आशु उठने की पूरी कोशिश कर रहा है। बोला कि आप गणेशा जी की आरती उतारो, मैं आंसू के साथ टॉफी लेकर आती है। टॉफी नहीं गंगूताई, ट्रॉफी। हाँ वो इस तो बोलेगा मैं। ये वी डन इट। मत जाओ गणेशा, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे जाना ही होगा आशु, जैसे तुम्हारी माँ है ना, वैसे मेरी भी माँ है। तुम्हारी माँ? हाँ, गौरी माँ। कल वो मुझे लेने आएगी, मुझे जाना ही होगा आशु। गणेशा, तुम तो जानते ही हो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तुम चले जाओगे तो मोंटे मुझे फिर से मारेगा। कोई तुम्हें नहीं मारेगा आशु, और कोई तुम्हारे साथ झगड़ा भी नहीं करेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। मुझे कोई और नहीं, सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। तुमने तो कहा था तुम मेरे फ्रेंड हो, क्या फ्रेंड को छोड़ के ऐसे चले जाते हैं? आशु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम इसे पहन लेना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं गणेशा, ऐसे नहीं। तुम ऐसे ही मेरे साथ रुक जाओ ना। आशु, मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना ही होगा। प्लीज गणेशा, प्लीज मत जाओ, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ गणेशा, प्लीज गणेशा। गणेशा, प्लीज मत
अब आ जा। गणेशा, 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 गणेशा कहाँ हो तुम? गणेशा, गणेशा मेरे सामने आओ, गणेशा, 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 गणेशा मेरे सामने आओ, गणेशा। क्या हुआ आशु? हाँ? गणेशा जा रहे हैं मम्मा, प्लीज उन्हें रोक लीजिए। गणेशा कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं है। हुँ? नहीं मम्मा, उन्होंने मुझसे खुद बोला कि वो जा रहे हैं। आशु बेटा, गणेशा तो यहीं है, ये देखो। वो असली गणेशा नहीं है पापा। असली नहीं है? नहीं, हमारे घर में असली गणेशा है। हमारे घर की सारी प्रॉब्लम वो ही सॉल्व कर रहे हैं। वो मेरे साथ खेलते हैं, वो मेरे साथ बात करते हैं, वो मेरे साथ स्कूल जाते हैं, लेकिन अब वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं। प्लीज मम्मा, उन्हें रोक लीजिए। आशु, आशु बेटा, अगर असली गणेशा है तो कहाँ है, हमें दिखाई क्यों नहीं देते? वो यही है, मैं उन्हें बुलाता हूँ। तुम कैसे बुलाओगे आशु? मैं कह रहा हूँ ना, आशु गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। आशु, गणेशा तुम आए हो, ये लोग नहीं मान रहे हैं, एक बार इनके सामने आ जाओ प्लीज। नहीं आशु, मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? एक बार इनके सामने आ जाओ, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है आशु, अगर तुम चाहते हो तो मैं आ जाता हूँ।
मुझे पुकारे कभी ना देर लगाना रे, मुझे पुकारे कभी ना देर लगाना रे, घर से विदा होके जाते हो दिल से कभी ना तुम जाना रे, जाते हो दिल से कभी ना तुम जाना, तुमको है कसम लाती है सर। हाँ गंगूताई, गणेशा चले गए। आसू बाबा रोते नहीं, गणेशा अगले बरस तुमसे मिलने फिर आएंगे। सच? हो, लेकिन एक बात बताऊं, उन्हें रोते हुए विदा नहीं करना चाहिए, हमेशा हंसते हुए विदा करना चाहिए। Yeah.
है भी तू संचालक भी सारे कष्टों के हो तुम संहारक भी सब देवों के देव हो तुम गणदेवा सब देवों के देव हो तुम गणदेवा रक्षक हो तुम एक दंत लंबोदर हे महिमा तेरी है अनंत मनोहर हे ओ, 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 रक्षक हो तुम एक दंत लंबोदर हे महिमा तेरी है अनंत मनोहर हे स्तुति करे जो मन से तेरी चमत्कार करे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते वक्रतुण्डे महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा For more movies, subscribe to Movie Mania channel.